आज साहिबा मेरे पास सुनिया हमारा जज साहब के पास नहीं आना। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जज साहब, आप खुद एक लड़की, अंदर से ना ये महिला नहीं है ना, इसीलिए हम बैठने नहीं दे रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो यही है जज साहब, आप समझ रहे, ये झोल है ये। जज साहब से दूर रह के बात करें आप। जज साहब बताइए, अब हम आपको आंखों देखा हाल समझा देते हैं। आपको लगे चाहे नहीं लगे, आप खुद फैसला कीजिए। वकील साहब को मान लीजिए, हम मानते हैं अपना हस्बैंड। ए सुषमा की औलाद, और लेके आ सामान जरा। मान लीजिए इनका पति क्यों बनूंगा, अभी अदालत में करके नहीं दिखाते हैं क्या? मान लीजिए सब सब आप करते नहीं क्या? तो मैं आपको पति ला देता हूँ, बात पति चाहिए ना। एक मिनट, जब अक्षय कुमार जैसा हैंडसम आदमी, हम उसको क्यों लेंगे पप्पू को अपना पति? हमारे पास ऑप्शन है, जब एक अच्छा पति ढूंढूंगा। नहीं, कोई अच्छा पति नहीं आपके अलावा। अजी कौन है? नहीं, आप आइए। अरे बढ़िया पति ढूंढा है, अब हमने ढूंढ लिया है। अदालत जाया मत। जज साहब चाहते हैं, जज साहब चाहेंगे, जज साहब क्या चाहते हैं? जॉली इनका पति आइए। जगदीश जी लेट मत कीजिए। देखो और बेटा आ जाओ। एक मिनट, भारतीय सिनेमा के इतने अच्छे एक्टर भौजी, ये बड़े पुराने, आपको देख के मुझे वो बचपन का सीरियल याद आ गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ। अरे 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 अरे, इंसान ही चाहिए, इंसान दिया आपको? हमने नहीं लिया ये इंसान, आपने दिया। ये नहीं दिया मतलब ये इसकी तौहीन नहीं कर रहे हो? तौहीन की बात नहीं है। इसके घर वाले पिक्चर देख रहे होंगे। आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर है तो हमका सॉफ्टवेयर है जो हमको डाउनलोड करोगे, वहाँ बैठो। चलो यहाँ से। आपके कोर्ट में एक सवाल रखना चाहता हूँ। जैसे मेरी शादी लगी है, तो शादी लगी है, लोगों को सर्दी लगती तो मैं शादी लगी है, ये क्या बात है? शादी तय हुई है ना? शादी तय हो गई तुम्हारी? हाँ, तो मैं उसको हनीमून पे लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो लेके जाओगे, तुम्हारी है और कौन लेके जाएगा? तो मेरी मम्मी भी बोलती है जब मैं भी चलूंगी, वो भी तैयार है, तो मैं अपने बीबी को बता रहा हूँ। मम्मी को बोलो तुम पापा के साथ गई थी, मैं गया था। मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ, मुझे मेरी मम्मी भी जा रही है, तो मेरी पत्नी अपसेट हो रही है, तो मैं क्या करूँ बताइए? मम्मी को कहें कि ये हनीमून है, हनीमून का मतलब मम्मी कि हम घूम घाम के आ जाएंगे, हम दोनों को साथ में रहना होता है, हमें फ्यूचर आगे बच्चे पैदा करने होते हैं, और ये 5-6 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जहां आप कहेंगी उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके, पर वैसे ब्रदर आप कहां प्लानिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ को लेके जाने की? लखनऊ में जाने वाला हूँ। अरे लखनऊ तो जगदीश्वर मिश्रा के गाँव का ही है। वैसे यूपी में कहाँ पे रहते हैं आप? यूपी में गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हो, तो मम्मी को भी ले ही जाओ फिर, कौन सा। वैसे हुमा एक बात बताओ, अगर आपकी कल को शादी होती है जी। आपकी सास भी सेम डिमांड रखते अपने पति को, हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मेरे सास ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता मेरी मम्मी का स्वभाव का? जी भाई साहब। हेलो, हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर। ये क्या कान क्यों पकड़े? सर उस्ताद हो सर, आप सेल्फ मेड सुपरस्टार दोनों। सिखाई आपको सर, आप दोनों सेल्फ मेड सुपरस्टार हो सर, तो बनता है ना सर इतना करना। सो स्वीट, थैंक यू ब्रदर। सर मैं दिल्ली से आया हूँ सर, मैं एक चीज़ थी, लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती है, इतना मेकअप करती है, और मेन बात है उसका सारा बोझ लड़कों की जेब में पड़ता है, और असर भी नहीं होता, 2-3 घंटे बाद फिर सुबह जैसा मुँह हो जाता है उनका। सर फिर हम क्यों पे करें उसके लिए सर? इसके लिए आपको केस लड़ना चाहिए सर, मेरे हिसाब से। बेटे इसीलिए ना 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तुम ऐसे ऐसे घटिया केस लेके आते हो ना, जिसका जिसका ना सर है ना पैर है। बेटा आपकी जेब है, आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप संभालो जो है जैसा है, और उसमें कोर्ट को घसीटने की क्या जरूरत है? कहाँ थी तुम पागल इतनी देर? हेलो अक्षय सर। हेलो। मुझे ये कहना है सभी से, सभी
जो इन भाई साहब ने कहा सभी लड़कों से कि अभी हम सब इंडिपेंडेंट हो गए, हम खुद से अर्न करते हैं और खुद के जैसे क्या बात है, यस। अब बताओ यार, पहले तो भाई साहब मत बोलो मेरे को, मैं बच्चा ही तो हूँ अभी, है ना। पुराने जमाने में रानियां होती थी, वो भी तो मेकअप नहीं करती थी, राजा महाराजा फिदा रहते थे उनके ऊपर। तुम्हें कैसे पता भी, तुमने जाके देखा था? तब उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी जब जितनी अभी आपकी होती है। वैसे मैम, आई विल रेडी टू पे फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक? आई वुड लाइक टू बीट हिम। वो अरे खुशी खुशी खा लेगा वो। वुड यू लाइक टू? हाँ, नो नो नो। हाँ, ये बड़ा पहले मार खा लेगा। उसके पैर छुओ, वो आई है थोड़ा। इस टर्न अराउंड ऑन लेडी। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आपने थोड़ा भी बड़ा प्यार से मारा आपने। सो स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मनचले नव युवक को। नहीं, बड़े से बहुत अच्छी बात कही कि मतलब लड़कियां खुद कमाती हैं और अपनी अपनी सारी जो खर्चे हैं वो खुद ले सकती हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हुमा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नो, बट यू कैन पे फॉर मी, I don't mind. Are you serious? कहते हैं कि वो वकीली क्या जो लार ना हो, वो सिद्धू क्या जो शार ना हो, ठोको ठोको ठोको। मुझे तो लगा था शो खत्म हो गया। वो जिसको प्यार किया उसने दगा दिया। ओए होए, छोटा सा सिद्धू, वाओ। जिसको प्यार किया उसने दगा दिया, मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया। दिमाग बंद है, आंखें खुली, क्योंकि 3 बजे सोया था, अक्षय ने 4 बजे जगा दिया। वेरी बैड गुरु, देख लो आपकी एब्सेंस का फायदा उठा के लोग नकली बन बन के घूम रहे हैं। ओए गुरु, ओए गुरु, ओए मेरी जगह इधर तो, ओए गुरु, ओए गुरु इधर, ओए गुरु उधर, सामने गेस्ट बैठा है इधर। मेरी बात सुन, चल बैठ जा। हाय मायसेल्फ लॉली जेजेपी, लॉली जेपी जेजेपी, जैसे आप जॉली एलएलबी हैं, मेरी बातों पे कोई हंसता नहीं है, इसलिए मैं अपने सिद्धू साहब साथ लाया, वो भी जोड़ी में। आपको पता है इनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। हमें नहीं पता, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। पिद्दू जी मेरी बात सुनिए आप, इनकी वजह से हमको कोई पार्टी में नहीं बुलाता, क्योंकि पार्टी करते नहीं है, हमारी पार्टी होती नहीं है। आज जो पार्टियां नहीं हुई उन सारी पार्टियों का बदला आज मैं लूंगा, यहाँ पे ले लू। तो आज यहाँ पे पार्टी होगी। क्या बात है गुरु, छोटा छोटा बनेगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates